Okay, hello everyone, how are you all? In this video we'll be discussing about two topics, that is goal seek and multiple operations. So without wasting much time, we should go with the explanation of these two topics. So let's have a look on your screen. So what is goal seek? Basically I've written for you, goal seek is the ability to calculate backward to obtain an input that would result in a given output. So what does this mean? So I'll be giving you a demonstration, okay, via some examples. Okay, so let's get started with this. So let's take the product, that is rice. Okay, so I'm taking a random product and the price for that product would be 50, and quantity would be 80, okay, 80 in kgs basically, and total amount. So total amount, if you wanna remember that how to find out the amount for any of the product, if the price and quantity is given to you, is equal to 50 multiplied by 80. That means we got 4000, right? So 4000 is the amount for 80 kgs of rice. Okay, so what is basically a goal seek? I just want that if I'll be having 8000 rupees with me, so how much quantity I'll be getting in rice with the same price. मतलब अगर मेरे पास 8000 रुपए हैं, right? And मुझे कितनी क्वांटिटी, मतलब कितने केजीज राइस मुझे मिल जाएगा, या मेरे पास 8500 है या 9000, कोई भी रैंडम अमाउंट, ठीक है, आपके माइंड में आती है कि हम कुछ भी खरीदने जाते हैं तो वी आर हैविंग अ बजट, ठीक है, तो वो बजट को देखते हुए वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली, और वो हम जो डीलर्स होते हैं या फिर जो शॉपकीपर्स होते हैं, ठीक है, या ग्रॉसर्स होते हैं, वो उनको हम कहते हैं वी हैव दिस एंड दिस बजट, सो जस्ट शो मी इन दिस बजट वट एवर यू आर हैविंग, ओके, according to our design. तो हम क्या करते हैं, we have a goal seek operation here, okay? In the goal seek what I'll be doing, I'll click on this 4000 and I'll go to tools and another is goal seek option. I'll click it on this goal seek option, goal seek dialog box appeared. Here three parameters have been provided to you. The first one is formula cell, basically we have applied one formula here. So a reference is added, that is F8. Why this dollar sign is applied here? Just to fix this cell, okay? कि वो हिले ना, अगर कोई mistake हो, मतलब dollar का मतलब होता है कि कोई और cell ना आ जाए बीच में, या किसी और garbage value ना वो उठा ले, बस 4000, मतलब जो भी cell के अंदर है वो cell reference ही ले, मतलब 4000 है तो 4000 ही ले, okay? Next is a target value. Target value is basically वो what your budget is basically. Suppose आपका 8500 का budget है, 8500 का budget आपने यहाँ पे 8500 लिख देना है, ठीक है, in rupees. And variable cell मतलब आप कितनी quantity यहाँ पे लेना चाहते हो, मतलब 8500 में मुझे कितने kgs का rice आ जाएगा. तो I'll be clicking on this variable quantity cell here, okay, and I'll be pressing OK button. तो जैसे मैंने ओके प्रेस किया, एक सक्सेसफुल विंडो आई यहाँ पे, दैट इज गोल सीक सक्सेसफुल, इंसर्ट रिजल्ट 170 इनटू करंट सेल. मतलब अगर मैं यस कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज होके आई है, जो क्वांटिटी मेरी 170 हो गई है और मेरी टोटल अमाउंट हो गई है अब 8500. अगर मैं मल्टीप्लाई भी करूँ इक्वल्स टू, मैं अगर 170 किलो ले रहा हूँ और उस का प्राइस है 50 रुपये एक केजी का, तो मेरा आंसर आता है 8500, विच इज मैचिंग माई टोटल अमाउंट. मतलब मेरा गोल है वो सक्सेसफुल रहा, विच आई वॉज लुकिंग फॉर, दैट वॉज सक्सेसफुल, ठीक है. तो ये सिर्फ गोल सीक का ऑपरेशन था, कि गोल सीक हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है. एक आई थिंक टॉयस की भी मैंने आपको करवाई थी एग्जाम्पल, अगर नहीं तो पहले मल्टीपल ऑपरेशन कर लेते हैं, ठीक है, फिर आप वो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है. अभी ये तो हमारा सक्सेसफुल रहा, ठीक है, तो अब मैं क्या कहता हूं कि विल डू द मल्टीपल ऑपरेशंस. ओके, सो मल्टीपल ऑपरेशंस बेसिकली कंबाइंस अ सीरीज ऑफ फॉर्मूलाज
विद अ वेरिएबल एंड अ सीरीज ऑफ वैल्यूज। अब जो गोल सी का ड्रॉबैक ये है दैट यू कैनॉट सिलेक्ट मल्टीपल सेल्स, आपके पास एक ही सेल आ सकता है। ओके, गोल सीक का एक ड्रॉबैक तो भी नहीं कर सकते हम। गोल सीक पे हम एक ही सेल पे बात कर सकते हैं, सॉरी एक ही सेल में काम कर सकते हैं, ठीक है, बाकियों में नहीं कर सकते हम। लाइक वी कैनॉट इफेक्ट द अदर, और वी कैनॉट चेंज द अदर सेल्स आउटपुट और इनपुट। ओके, तो लेट्स डू द मल्टीपल ऑपरेशंस हेयर इन कंपैरिजन विद गोल सीक। So I'll be writing quantity and total two parameters I have taken, okay, and here I'll be taking 100 kgs of rice, 150, and मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट दोनों को सिलेक्ट करूंगा और मैं ट्रैक कर दूंगा, उसने 50 का डिफरेंस लेके ऑटोमेटिक सेट कर देना है, ठीक है। सो इनको मैं सेंट्रल लाइन करता हूँ, थोड़ा बोल्ड करता हूँ। टोटल अमाउंट हमने निकालनी है अभी इन सब की, ऑटोमेटिकली ये क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल ऑपरेशन कॉम्बाइन्स अ सीरीज ऑफ फॉर्मूलाज, सीरीज ऑफ फॉर्मूलाज विद अ वेरिएबल, विद अ वेरिएबल जो वेरिएबल हमें दिया है, एंड अ सीरीज ऑफ वैल्यूज, ठीक है। वेरिएबल हमें दिया प्राइस, सीरीज ऑफ वैल्यूज हमारी क्वांटिटी है, मतलब 50 पहले 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ पे 5000 आ जाएगा, फिर ये 150 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अप्लाई कैसे करना है कि साइमल्टेनियसली हमारा आंसर आ जाए यहाँ पे, वेरी सिंपल। व्हाट यू विल डू, यू विल ड्रैग ऑल द वे टिल 750 फ्रॉम 100, ओके, देन यू गो टू डेटा, देन मल्टीपल ऑपरेशंस, ओके, अ डायलॉग बॉक्स अपीयर्ड ऑफ मल्टीपल ऑपरेशंस, नाउ सिलेक्टिंग द फॉर्मूला, सो हियर वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूला, सो आई विल बी राइटिंग हियर। रो इनपुट सेल अभी मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, उसका भी इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करवा के बताने वाला हूँ कि अभी तो ब्लैंक है। कॉलम इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल मींस हमें जो आंसर चाहिए वो वर्टिकली चाहिए, इसलिए वी आर वर्किंग विद द कॉलम इनपुट सेल, इसलिए मैं रो इनपुट सेल में ये सिलेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा जो आंसर है वो वर्टिकली आएगा ऐसे, ठीक है। और वर्टिकल कॉलम इनपुट सेल पे मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने प्राइस पे क्लिक करना है और मैंने ओके कर देना, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरी ये 170 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये 170 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए था, ये बेसिकली क्वांटिटी पे क्लिक करना था हमने, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सेटल दीज डेटा, मल्टीपल ऑपरेशंस, फॉर्मूलाज और ये क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी में बेसिकली हमें मल्टीप्लाई करना था, क्वांटिटी का मतलब क्या है कि ये क्वांटिटी बेस है, ठीक है, फॉर्मूला तो हमारे पास ऑलरेडी लगा ही हुआ है, हमने सिर्फ ओके करना है, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होके हमारे पास ये आ गया आंसर। क्वांटिटी पे इसलिए मैंने किया क्योंकि यहाँ पे 100 क्वांटिटी है, फिर 150 है, फिर 200 है, फिर 250 है, क्योंकि यहाँ पे तो प्राइस मल्टीप्लाई हो चुका है, मैंने प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था बेसिकली, ठीक है, तो वो नहीं था, आपने यहाँ पे क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। एंड नेक्स्ट फॉर दैट रो, अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस दिए हुए, अब ये तो एक प्राइस के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 50 पहले 100 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 50 पहले फिर 150 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, नाउ विद डिफरेंट प्राइजेस आई विल बी राइटिंग प्राइस हियर एंड क्वांटिटी। अब जो क्वांटिटी है दैट इज इन वर्टिकल फॉर्म ऐसे, ठीक है, तो मैं यही कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और जो प्राइस है वो है हॉरिजॉन्टल, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहले 100, 120, 160, 180, ये प्राइस रेंज है, मतलब चार क्वालिटीज है राइस की। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा यहाँ तक, ओके, विल गो टू डेटा, विल गो टू मल्टीपल ऑपरेशन, हेयर इन फॉर्मूलाज आई विल बी सिलेक्टिंग दिस फॉर्मूला वेयर वी हैव अप्लाइड, and after that row will be selecting the price, and after that the column will selecting the quantity, and press OK. So can you see that? Very simple, you got the result and that's it. So this was according to the different prices with different quantities you got it. मतलब 100 multiplied by 100 that is 10,000, 120 multiplied by 100 12,000 and so on. Okay. So this is it from my side. I hope you like it. You understand it. So rest we'll do in the next video. All right.
थैंक यू।